अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जैसे हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो शरीर हमको कौन देता है? माता पिता देता है, वो तो व्यवहार है। क्या है, हमको ये माता पिता मिला, इसके पीछे राज क्या है? कर्मों का हिसाब। हमारा कर्म मनुष्य भव का ही था और उन व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था, उसीलिए उसी घर में हमारा जन्म हुआ, जो कर्मों की वजह से हुआ। ये शरीर हमारी पसंदगी नहीं है। अगर हमारा कर्म पासवी होता तो हमारा जन्म पशु योनि में होता, अगर हमारा कर्म राक्षसी होता तो हमारा जन्म नरक गति में होता, अगर हमारा जन्म कर्म दैवी होता तो हमारा जन्म देवलोक में होता। मतलब शरीर का सिलेक्शन हम नहीं करते हैं, कर्मों की वजह से मिलता है। मगर कर्मों की वजह से जो मिलता है वो डिसाइड कौन करेगा कि आपके कर्मों का ये फल है? वो डिसाइड कौन करेगा? कुदरत। कुदरत कुदरती कानून से डिसाइड करता है कि आपके कर्मों का ये फल है और फल की भुगतान के लिए आपको ये शरीर मिलेगा। तो कर्मों का तो कुदरत का कानून कैसा होगा, सबके लिए एक होगा या अलग अलग? पूरी सृष्टि के लिए क्या होगा? कुदरत का कानून कैसा होगा? एक ही होगा। और ये कुदरत का कानून के हिसाब से हमको ये जन्म मिलता है। तो जन्म मिला उसको कहते हैं कुदरती रचना। तो ये रचना किसकी है? कुदरत की है। ये हमारा सिलेक्शन नहीं है। कुदरत, कुदरत के कानून और कुदरती रचना, ये तीन बात हमको समझना है। बाद में आपको समझ में आएगा कि संयोग कैसे बना है। ये बेसिक है, ये ज्ञान समझना बेसिक है और ये ज्ञान आपको बार बार समझना पड़ेगा क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि अज्ञान बार बार हावी हो जाता है, क्योंकि अज्ञान तो कई अवतारों से पक्का है, अभी ये विज्ञान पक्का नहीं हुआ है, वो पक्का करना है बस। तो कुदरत, कुदरत के कानून और कुदरती रचना, ये पांच इंद्रियों से और मन वचन काया से जो कुछ भी भुगतान होती है, ये पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है पूरी सृष्टि, ये सब क्या है? कुदरती रचना। ये सब अवस्थाओं का रचयिता कौन है? कुदरत है। समझ में आया? हर अवस्था का जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आती है उसका भी रचयिता कौन है? कुदरत है। तो इसको बोलते हैं कुदरती। तो कुदरती रचना में कोई स्वतंत्र कर्ता हो सकता है? हो सकता है। कोई भी चीज का कोई मालिक हो सकता है? व्यक्ति या वस्तु का मालिक हो सकता है? ये दुनिया की हर अवस्था ही कुदरत की है, कुदरत ने बनाई हुई है और कुदरत के पास ही रहेगी। हा या ना? ये जो शरीर मिला है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश। ये भी किसका है? कुदरत का है। जब इसको जला दिया जाएगा तो अपने आप यहां रहेगा, पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा हमारा तो ये संबंध सत्ता संपत्ति रहेगी?
क्योंकि पहले भी किसका था और आज भी किसका है और बाद में भी। मगर हम कहते ये मेरा है, ये हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता कौन सी है? जो कुदरती रचना है उसको मैं क्या मानता हूं? जो कुदरती रचना है उसको कहती है मैंने किया, आपने किया, वो भी अज्ञानता। मालिक की पन और कर्ता, ये दो प्रकार की अज्ञानता। समझ में आया? तो ये दो प्रकार की अज्ञानता है, इससे राग द्वेष बनते हैं। राग द्वेष बनने का कारण है कर्तापन और मालिकीपन। हालांकि हमारे पास तो श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगर हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति होती तो फिर रात को फिर सो जाने के बाद कौन लेगा? फिर पजल हो जाएगा, फिर रात को जागना पड़ेगा कि बंद हो जाएगा तो। मगर श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास, ये ऑटोमोड सिस्टम है, आयुष्य कर्म के मुताबिक चलता रहेगा। और जब आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा तो अपने आप हमको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी कहते हैं कुदरती रचना। यानी जीवन की हर परिस्थिति जो है वो कुदरती रचना है। और कुदरत ये संजोग क्यों देते हैं अच्छे या बुरे? हमारे कर्मों के फल स्वरूप। वो कर्म कब किए थे हमने? पिछले अनुभव में। और कानून के मुताबिक, कुदरती कानून के मुताबिक कुदरत हमको ये फल देते हैं, अच्छे बुरे संजोग देते हैं। माता पिता, भाई बहन, परिवार, लक्ष्मी, साधन संपत्ति, सब कुछ कुदरत अपने कर्मों के फल स्वरूप देते हैं। अभी ये प्रश्न सबसे बड़ा ये आता है, आखिर कुदरत किसको कहेंगे? मैं हर बातों का एक्सप्लेन करूंगा, कुदरती कानून, कुदरती रचना। अभी तीसरा प्रश्न आएगा, कुदरत, कुदरत किसको कहेंगे? कुदरत किसको कहेंगे? नहीं, छह तत्वों का टोटल इज इक्वल टू कुदरत। छह सनातन तत्वों का टोटल इज इक्वल टू कुदरत। ये दुनिया पूरी सृष्टि छह सनातन तत्वों से बनी है और छह सनातन तत्वों से चलती है, और उससे जो अवस्था पैदा होती है वो टेम्पररी है। वो क्या है? इसको रिलेटिव सत्य बोलते हैं। टेम्पररी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव सत्य। और तत्व को परमानेंट सत्य बोलते हैं। तत्व का कभी नाश और अवस्था का नाश हो जाता है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुएंगे, फिर 1 अप्रैल को सब चले जाएंगे। तो ये संजोग है। क्या ये अवस्था है? अवस्था टेम्पररी है, मगर अवस्था के अंदर आत्मा कैसा है? परमानेंट है। बाकी सब टेम्पररी है। समझ में आया? सबको समझ में आता है? तो इसीलिए कुदरत, कुदरत के कानून और कुदरती रचना, ये तीनों बात समझना है। पहले मैंने समझाया आपको कि सुख कहाँ है, ये पहले एक्सप्लेन किया कि सुख बाहर है या अंदर है। तो सुख आत्मा में है, बाहर सुख नहीं है, सिर्फ अपनी मान्यता है। दूसरा मैंने समझाया कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और आत्मा, ये तीनों बात आपको मैंने सिद्ध कर दिया। उसके बाद मैंने कहा जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों कर्म फल है। उसके बाद कहा कि जन्म, जीवन, मृत्यु जो है वो कर्म फल तो है, मगर एक कर्म फल देने वाला कौन है? कुदरत। तो उसके बाद कुदरत, कुदरत के कानून और कुदरती रचना, ये भी आपको एक्सप्लेन किया। अभी प्रश्न ये आता है उसके आगे, अगर हमारा पूरा जीवन, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों कर्म फल है,
जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है मन वचन काया से वो कर्म फल है, तो नया कर्म कैसे बनेगा? कर्म के फल के साथ साथ जो क्रिया, जिससे हमारी क्रिया हो रही है, क्रिया करते वक्त जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं वो भाव से नए कर्म करना, मतलब क्रिया से नहीं बनते हैं ना। हाँ, तो ये बात समझना है हमको, कर्म भाव से होते हैं, क्रिया से। हम व्यवहार में क्या कहते हैं, व्यक्ति खराब काम करते हैं अच्छा काम करते हैं इससे वो खराब कर्म बनेंगे, ऐसा नहीं है। भाव कौन सा है? भाव से भव है, जैसा भाव वैसा, जैसी मति वैसी, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। तो भाव से भव है, तो भाव से ही कर्म बनते हैं। मन वचन काय की क्रिया से कर्म बनते हैं नहीं, समझ में आता है ना सबको? तो इसीलिए ये मैंने सब बातें आपको बेसिक बता दिया। क्या बता दिया? अभी आपको सबको प्रश्न करना है, जो भी प्रश्न करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने आपको बेस बता दिया, हम जिसको आध्यात्म विज्ञान कहते हैं वो विज्ञान क्या है वो मैंने सिद्धांत के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी और कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं, ताकि आपके प्रश्नों का समाधान हो जाए। जो भी बोले वो माइक में बोले और माइक ऑन करके बोले। क्या बताया? छह तत्व कौन से हैं? छह सनातन तत्व, यानी इसका कभी अंत होता नहीं है, इसको सनातन बोलते हैं, शाश्वत परमानेंट। पहला तत्व है चेतन तत्व। क्या है? चेतन। चेतन का मतलब होता है आत्मा तत्व। दूसरा है जड़ तत्व। कौन सा? ये शरीर भी जड़ तत्व है और पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है ये सब कुछ जड़ तत्व है, है? चेतन और जड़ एक नहीं है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। जड़ के अंदर चैतन्यता नहीं है और चेतन के अंदर जड़ता नहीं है। चेतन के अंदर जड़ता और जड़ के अंदर चैतन्यता नहीं है। चेतन का मतलब क्या होता है? लाइवनेस। क्या होता है? जीवंतता। ये जड़ है उसके अंदर लाइवनेस नहीं है, जीवंतता नहीं है, ये अनुभव नहीं कर सकता है। आत्मा है इसीलिए अनुभव कर सकते हैं, जड़ कभी अनुभव। हमारे पॉकेट में 10,000 रुपया पड़े हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं कि मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया है, मगर तिजोरी के अंदर 5 लाख है तो तिजोरी अनुभव कर सकती है? नहीं कर सकती, तो वो जड़ है। अनुभव, ज्ञान, भले अज्ञान का ज्ञान भी बिना चेतन नहीं होता, अज्ञान का ज्ञान भी इसके लिए चेतन चाहिए, क्योंकि जड़ को ज्ञान अज्ञान दोनों होता नहीं। तो ये ज्ञान गुण आत्मा का है। किसका है? तो इसीलिए कहा कि भी आत्मा के आधार से हमको समझ में आता है कि ये जड़ है और ये चेतन है। तो ये दो बात हो गई। मैंने कहा ना, पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है ये सब जड़ है, चेतन नहीं है, मगर जहां जीव है इसके अंदर चेतन है, जहां जड़ है वहां चेतन। मगर जीव, जीव का मतलब होता है क्रीचर। क्या बताया? जहां जीव है वहां शिव है, जहां प्रकृति है वहां परमात्मा है, जहां विनाशी है वहां अविनाशी है, जहां प्रकृति है वहां परमात्मा है। तो ये दोनों चीज, तो यानी पहला चेतन दूसरा जड़ तत्व, को रिलेटेड।
तीसरा तत्व है गति सहायक मोशन क्रिया एक्शन गति सहायक। कोई भी अवस्था में मोशन होता है मूवमेंट होती है वो गति सहायक तत्व की वजह से। चौथा तत्व है स्थिति सहायक। ये पंखा नहीं घूमता है तो वो स्थिति सहायक है, ये चलता है तो गति सहायक। तो गति सहायक और स्थिति सहायक ये तत्व है। स्थिति सहायक का मतलब होता है स्थिर होना, गति सहायक का मतलब होता है मूवमेंट। मगर ये तत्व है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है और तत्व के रूप में परमानेंट। ये गति को सहाय करने के लिए गति सहायक तत्व है, ये स्थिति को सहाय करने के लिए स्थिति सहायक तत्व है। हम श्वास लेते हैं वो गति सहायक, ब्लड सर्कुलेशन गति सहायक, विचार आते हैं गति सहायक, बोलते हैं गति सहायक, हाथ पांव हिलाते हैं वो गति सहायक तत्व, और बैठे हैं वो स्थिति सहायक। पांचवा तत्व है समय टाइम, धर्म में उसको काल तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। कोई भी अवस्था समय के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती है। समय तत्व परमानेंट है मगर अवस्था में सहायक होता है, कोई भी वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका जन्म और मृत्यु। तो समय तत्व है तो ही बताएंगे ना, हम कहेंगे हम आपके घर पे आएंगे, समय तत्व है तो बताएंगे ना, हम यहाँ शिविर रखेंगे, समय तत्व नहीं है तो कैसे बताएंगे। टाइम जोन। तो ये समय तत्व के आधार से तत्व परमानेंट है मगर अवस्था टेम्पररी है, तो अवस्था में सहायक होता है समय तत्व। और छठा और लास्ट तत्व है अवकाश स्पेस, जिसमें ये सब कुछ होता है। बिना स्पेस हम कुछ नहीं करते, स्पेस नहीं होता है तो कुछ कर सकते हैं? तो ये छह तत्व है, इसका नाम है कुदरत, इसका एक नाम है कुदरत। मगर आम इंसान को ये छह तत्व समझ में नहीं आया, इसीलिए कुदरत दुनिया चलाती है वो नहीं बोले, वो कहते हैं दुनिया भगवान चलाते हैं, क्योंकि कुदरत समझ में नहीं आया। तो कोई टाइटल तो देना पड़ेगा है ना कि दुनिया कौन चलाते, हम तो नहीं चलाते हैं, तो इसीलिए बड़ा है बता दिया परम शक्ति यानी भगवान चलाते हैं, मगर वास्तव में भगवान नहीं चलाते, ये कुदरत चलाती है। तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। और कुदरत क्या है वो भी मैंने छह तत्वों के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अभी और किसी का प्रश्न है तो करो। मैं शरीर चलता उठता बैठता है, हाँ छह तत्वों की वजह से, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमको लगता है कि शरीर मेरा है और मैं शरीर को चलाता हूँ, हमको हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है नहीं होता है, उसमें ब्लड बनता है, यूरिन बनता है, लैट्रिन बनता है, हर पार्ट को पावर मिल जाता है, ये मैनेजमेंट कौन करता है? हम करते हैं। संजोग से होता है, हम नहीं करते, संजोग हमको करवाती है सब कुछ। हम ऐसा मानते हैं कि हम अपनी अल्पमति से मानते हैं कि हम करते हैं, वास्तव में हम नहीं करते, हमको करना पड़ता है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, संजोगों के अधीन करना पड़ता है। कोई कहता है मैं जॉब करता हूँ तो 8 घंटा बैठना पड़ेगा, तो वो करते नहीं हैं, संजोग करवाते हैं। कभी काम के लिए फोन आया तो निकलना भी पड़ता है, यानी हर अवस्था संजोग के अधीन है। इसीलिए पहले मैंने बता दिया हमारे पास श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति